और इस सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए और वर्तमान में माननीय विधायक श्री जितन राम मांझी साहब, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री माननीय अश्विनी कुमार चौबे साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, सम्मान्य जनप्रतिनिधिगण, आप लोग के बीच उपस्थित इस जिले के बहुत ही होनहार और मेहनती जिला पदाधिकारी कुमार रवि जी, यहाँ पर उपस्थित नौजवान और बहुत ही एक्टिव सिटी एसपी रेड्डी जी, यहाँ पर उपस्थित गोवर्धन सहाय जी, पंडा समाज के सम्मानित सदस्यगण, ढोकरी जी, मंडल बारिक जी, विठल जी, यहाँ उपस्थित प्रशासन के वरीय पदाधिकारीगण, मीडिया के भाई बंधु और यहाँ उपस्थित गया वासियों, आज सचमुच एक एहसास हो रहा है कि एक बहुत जिसे कहा जाए महापर्व, वो एक समाप्ति की ओर दृष्टिपथ हो रहा है। और मैं इस अवसर पर सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने स्वयं गया में आकर समीक्षा की और हम लोग का मार्गदर्शन दिया और सभी विभागों को बहुत स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए कि सरकार की ओर से कोई भी व्यवस्था में कमी नहीं होनी चाहिए। और आज मुझे बहुत खुशी है इस खुले मंच से इस बात का ऐलान करने का कि जिला प्रशासन ने एडी चोटी एक कर दी और उन्होंने एक बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का पितृपक्ष मेला को संपादित किया है। इसलिए सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने बेहतरीन काम किया है। माननीय कृषि मंत्री महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, दोनों महानुभाव का बहुत सानिध्य और बहुत मार्गदर्शन और प्रेम प्राप्त हुआ है। हमने देखा है पूर्व के इस कार्यकाल में भी और इस कार्यकाल में भी हमेशा दोनों महानुभाव का बहुत एक्टिव सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है और इस बार भी वो प्राप्त हुआ। उसके लिए जिला प्रशासन आपके प्रति हर्ष और धन्यवाद व्यक्त करता है सर।